आज की क्लास में हम मीराबाई की पदावली का अध्ययन करेंगे। आप सब जानते हैं कि मीराबाई कृष्ण भक्ति काव्यधारा की बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण कवयित्री हैं। उनका संबंध राजस्थान से है, इसलिए मीराबाई की जो कविता है उस कविता में ब्रजभाषा के साथ साथ राजस्थानी भाषा के शब्द का भी मिश्रण देखने को मिलता है। मीराबाई की कविताओं की व्याख्या से पहले थोड़ा सा बहुत संक्षेप में उनके जीवन को जान लेना बहुत जरूरी है। मीराबाई का संबंध राजस्थान से है और ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई बाबर से युद्ध करने वाले महाराणा सांगा की बहू थी। कौन थी? महाराणा सांगा की बहू थी। राज परिवार से इनका संबंध था और इनके पति का नाम कुमार भोजराज था। 1516 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था। इनके पति का नाम कुमार भोजराज था। बहुत कम समय में, विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद, इनके पति की मृत्यु हो गई थी और पति के मृत्यु के बाद मीरा ने कृष्ण को अपना पति मान लिया और कृष्ण के प्रेम में इस तरह से रंग गई कि उन्होंने लोक लाज, कुल की मर्यादा सब कुछ त्याग करके कृष्ण के भजन, कृष्ण की भक्ति और कृष्ण के प्रेम में लीन रहने लगे। यह बात उनके परिवार वालों को पसंद नहीं आ रही थी और खास तौर पे उनके जो देवर थे जिनका नाम था राणा विक्रमादित्य, राणा विक्रमादित्य को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि राजकुल की जो एक स्त्री है वह इस तरह से घर से बाहर निकल जाए, किसी को प्रेमी मान ले, संतों के साथ नाचने लगे, गाने लगे। तो ऐसा कहा जाता है कि मीरा को मारने का बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी उनके ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा रही और मीरा बच गई, उन्हें कुछ नहीं हुआ। मीरा का जो पूरा जीवन था उसको बहुत प्रामाणिक ढंग से उन्होंने अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। उनकी जो कविता है, मीरा की कविता, वो सिर्फ कृष्ण के प्रति प्रेम और अनुराग की कविता नहीं है, कृष्ण से मिलन और कृष्ण के विरह की कविता नहीं है, बल्कि अपने समय और समाज का एक जीवंत दस्तावेज भी है कि उस मध्यकालीन युग में स्त्री को कैसे चार दीवारी में कैद करके रखा जाता था और मीरा का घर से बाहर निकलना कहीं ना कहीं स्त्रियों की मुक्ति की जो इच्छा है, उस मुक्ति की इच्छा की भी एक अभिव्यक्ति है, उसका भी एक रूप है। मीरा ने लिखा कुछ नहीं है, मीरा ने गाया है, मीरा ने बोला है और मीरा के गाए हुए जो पद हैं, बोले गए जो बोल हैं उनके, बोली गई जो उनकी कविताएं हैं, उसे बाद में संकलित किया गया। और मीरा की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो मानी जाती हैं वो हैं राग सोरठा, मीराबाई की पदावली, मीरा मल्हार, वो गीत गोविंद इत्यादि, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, ये उनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। आज की हमारी जो क्लास है, इस क्लास में हम मीरा के कुछ चुनिंदा पद पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या हम करेंगे। हम जानते हैं कि मीरा प्रेम दीवानी थी, कृष्ण के प्रेम के अलावा उनके लिए दुनिया में कुछ भी सच्चा नहीं दिखाई देता था। लेकिन प्रेम का मार्ग क्या इतना आसान होता है? क्या प्रेम का मार्ग इतना सरल होता है? उस प्रेम के मार्ग में दुख भी होता है, उस प्रेम के मार्ग में बाधाएं भी आती है, उस प्रेम के मार्ग में विरह भी आता है। तो मीरा के जीवन में उनके प्रेम में जो दुख है, जो विरह है, उसका ताप भी इन पदों में सामने आया है, उसकी भी अभिव्यक्ति यहाँ हुई है। और कृष्ण के प्रति जो उनकी अनन्य भक्ति है, अनन्य समर्पण है कृष्ण के प्रति, उस समर्पण को भी बहुत खूबसूरत तरीके से मीरा ने बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के, जिस ईमानदारी के साथ अभिव्यक्त किया है, उसे भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब एक एक पद मीरा के हम पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो मीरा का पहला पद यहाँ सामने है हमारे, और इसकी व्याख्या करने से पहले हम संदर्भ और प्रसंग को समझ लेते हैं। तो जब आप संदर्भ लिखेंगे तो लिखेंगे इसमें कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन हिंदी कविता से अवतरित है, जो मूल रूप से मीरा की पदावली में संकलित है। ठीक है, प्रसंग, प्रसंग में लिखेंगे इस पद में मीरा कृष्ण से विनती कर रही हैं, कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि वह मीरा की तरफ अपना ध्यान दे या मीरा पर भगवान की कृपा हो सके। ठीक है, पहली पंक्ति है, तनक हरि चित्त मा भारी ओर। चित्त कहते हैं ध्यान को, तनिक मतलब थोड़ा, है ना, हरि कृष्ण, मारी ओर मतलब मेरी तरफ, हे कृष्ण थोड़ा ध्यान
हमारी तरफ भी दीजिए, थोड़ी कृपा हम पर भी कीजिए। हम चितवा थे चितवोड़ा हरी, इबड़ो बड़ो कठोर, तनक हरी चितवा मारी ओर। ठीक है, यहाँ थे का अर्थ है आपकी तरफ, मेरा पूरा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ है, मेरा पूरा चित्त हे कृष्ण आप में लगा हुआ है, आप में रमा हुआ है, लेकिन आपका जो चित्त है वह मेरी तरफ नहीं है, आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, आपकी दृष्टि मेरी तरफ नहीं है, ऐसा लगता है हिबड़ो बड़ो कठोर, ऐसा लगता है कृष्ण आप दिल से बड़े कठोर हैं, आपका हृदय बहुत कठोर है, आप मेरे इस प्रेम पर, आप मेरी इस मेरे इस समर्पण पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो एक विनती है एक भक्त की, एक भक्त का प्रेमपूर्ण विनय है कि वह अपने प्रेमी को, वह अपने परमात्मा को, वह अपने पूज्य को, आराध्य को कितना चाहता है और कितना विनयशील होकर के कहता है तनक हरि चितवा मारी ओर, हे कृष्ण थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ भी दे दीजिए। आगे समझ में? Yes, sir. आगे कहा मारी आसा चितवणी थारी और न दूजा दो, तनक हरि चितवा मारी ओर। मेरी आशा, मेरी उम्मीद, मेरा स्नेह, मेरा प्रेम, मेरा चित्त, मेरा ध्यान सब कुछ किसकी तरफ है? आपकी तरफ है। ठीक है, और न दूजा दौड़, मेरी और कोई दौड़ है ही नहीं, मेरी और कोई चाहत है ही नहीं, मेरी और कोई आकांक्षा नहीं है, मेरे और कोई सपने नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा पूरा ध्यान, मेरा पूरा प्रेम सब कुछ आपके लिए है, पूरा चित्त पूरा ध्यान आपके लिए है, मेरे मन में और कोई चाहत नहीं है और कोई अभिलाषा नहीं। स्पष्ट है? और कहा उभया ठाड़ी अर्ज करूं छू करता भोर, तनक हरि चितवा मारी ओर। उभया का अर्थ है आशा में, मैं इस आशा में, इस उम्मीद में सिर्फ और सिर्फ प्रतीक्षा किए जा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंतजार किए जा रही हूँ कि कभी तो ऐसा होगा कि कृष्ण मेरी तरफ ध्यान देंगे, कभी तो ऐसा होगा कि कृष्ण का चित्त भी मेरी तरफ आएगा, और इस इंतजार में, इस प्रतीक्षा में भोर हो गई है, यानी कि लगातार मैं प्रतीक्षा करती जा रही हूँ, लगातार मुझे इंतजार है, सुबह से शाम, शाम से रात और रात से फिर भोर होती चली जा रही है, यानी कि मैं लगातार निरंतर मीरा प्रार्थना कर रही है, विनती कर रही है और प्रतीक्षा कर रही है, क्या तनक हरि चितवा मारी ओर, हे कृष्ण थोड़ा प्रेम थोड़ा ध्यान मेरी तरफ भी आ जाए, थोड़ा थोड़ा ध्यान आप मेरी तरफ भी दे दें। और कहा मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी देस्यु प्राण अको, तनक हरि चितवा मारी ओर। और अंत में कहा मीरा ने प्रेम भाव से कि मेरे जो प्रभु हैं, मेरे जो कृष्ण हैं, जिन्हें मैं प्रेम करती हूँ, जिनकी मैं दीवानी हूँ, वो अविनाशी हैं, वो अमर हैं, वो अजर हैं, वो सर्वव्यापी हैं, देशु प्राण अकोर, और मैं उनके लिए अपनी जान तक क्या कर सकती हूँ, न्योछावर कर सकती हूँ, उनके प्रेम में मैं हंसते हंसते अपना प्राण भी लुटा सकती हूँ, इसके लिए मुझे कोई मलाल नहीं होगा, कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि यह जीवन यह प्राण तत्व अब उस कृष्ण के प्रेम में क्या हो चुका है, समर्पित हो चुका है। और विनती करती हैं हे कृष्ण हे भगवान थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ भी दीजिए। क्या कहा तनक हरि चितवा मारी ओर, थोड़ा ध्यान आप मेरी तरफ भी दें, आपका प्रेम मिले आपका स्नेह मिले, ऐसी विनती ऐसी प्रार्थना इस पूरे पद में मीरा भगवान कृष्ण से कर रही है। स्पष्ट है? विशेष में क्या लिखेंगे? अरस्थानी मिश्रित मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण विद्यमान है, मतलब स्पष्ट है सब कुछ जो भी वो कह रही है,
ठीक है। और इस पूरे पद में कृष्ण के प्रति मीरा की जो अनन्य भक्ति है, जो अन्यतम प्रेम है, वह बहुत गहराई से प्रकट हुआ है। स्पष्ट है, संदर्भ स्पष्ट है क्या होगा? ठीक है। और प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस पद में मीरा ने बहुत स्पष्ट तरीके से खुलकर अपने मन की बात कही है कि वह कृष्ण को कैसे रिझाएंगी और कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है वह कितना पुराना है, कितना अन्यतम प्रेम है, उसका वर्णन मीरा ने इस पद में किया है। कहा, मां गिरधर आगाणाचारी। गिरधर कौन? कृष्ण। कि मैं उस कृष्ण के आगे क्या करूंगी? नाचूंगी, नृत्य करूंगी। नाच नाच मारसिक रिझावा, प्रीत पुरातन जाचारी। मां गिरधर आगाणाचारी। नाच नाच मारसिक रिझावा, नाच कर, नाच नाच कर मैं अपने उस प्रिय कृष्ण को रिझाने की कोशिश करूंगी, उसे प्रसन्न करने की कोशिश करूंगी। और प्रीति पुरातन जाचारी, मीरा कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम है वह कोई आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है। जन्म जन्मांतर का मेरा प्रेम है उस कृष्ण के प्रति। मैं ऐसा महसूस करती हूं कि कृष्ण के प्रति मेरा पुराना प्रेम आज का नहीं है, जन्म जन्मांतर का प्रेम है। और आगे कहा कि श्याम प्रीतरी बांध घुंघरिया, मोहन मारो साचारी। कि श्याम सांवले कृष्ण का, सांवले जो कृष्ण है, उस कृष्ण के प्रीतरी बांध घुंघरिया, प्रेम रूपी घुंघरू को, उस सांवले कृष्ण के प्रेम रूपी घुंघरू को मैं अपने पैरों में क्या कर लूंगी? बांध लूंगी। और उसको घुंघरू को बांध करके मैं कृष्ण के आगे नृत्य करूंगी। और कहती है कि मोहन मारो साचारी, कि मुझे इस लगता है कि इस जगत में, इस दुनिया में मेरा जो मोहन है, मेरा जो कृष्ण है, वही सच्चा है, उसका प्रेम सच्चा है, उसके आगे और कुछ भी सच्चा नहीं है। तो बार बार मीरा कृष्ण को रिझाने का प्रयत्न कर रही है, कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रही है। और कृष्ण के प्रति उनके मन में जो अन्यतम अनुराग है, अथाह जो प्रेम है, उस प्रेम को तमाम सारे रूपों में बार बार अभिव्यक्त कर रही हैं। और कहा, लोक लाज कुल रामर जादा, जग माणे कर्ण राख्यारी। महा गिरधर आगाणाचारी। कहा, स्पष्ट है, पंक्ति देखिए, लोक लाज कुल रामर जादा। इस कृष्ण के प्रेम में, इस कृष्ण की भक्ति में मैंने लोक लाज और कुल की मर्यादा सब कुछ को क्या कर दिया है? त्याग दिया है, सब कुछ को छोड़ दिया है। यानी कि उस कृष्ण के प्रेम के आगे मुझे लोक लाज और कुल की मर्यादा, इसकी कोई चिंता नहीं है। जगमा रेखना राख्यारी, और समाज और दुनिया की भी मुझे कोई चिंता नहीं है। यानी कि समाज और दुनिया, कुल परिवार की मर्यादा, सब कुछ मेरे लिए उस कृष्ण के प्रेम के आगे कुछ भी नहीं है। यानी कि मेरे जीवन में जो कुछ भी बड़ा है, जो कुछ भी मैं चाहती हूं, वह सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का प्रेम है, कृष्ण की भक्ति है। उसके आगे लोक लाज, कुल की मर्यादा और समाज की चिंता कुछ भी नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है, यह बात कौन कह रहा है? यह बात एक स्त्री कह रही है। एक स्त्री जिसको समाज में हमेशा बताया जाता है कि उसको कैसे रहना है, उसे कैसे व्यवहार करना है, उसके कुल की मर्यादा क्या है, उसके सम्मान से कुल की सकुल का पूरा सम्मान जुड़ा हुआ है। एक स्त्री कोई अगर निर्णय लेती है तो उसके दिमाग में, उसके संस्कार में यह बात पिरो दी जाती है कि तुम्हारा यह निर्णय पूरे कुल के लिए, समाज के लिए बहुत घातक हो सकता है या कलंक के जैसा हो सकता है। लेकिन मीरा डंके की चोट पे कहती हैं कि मुझे उस कुल की मर्यादा तथा कथित समाज के जो बनाए गए नियम हैं, उन नियमों की मुझे कोई परवाह नहीं। और सच बात है कि प्रेम क्रांतिकारी होता है,
प्रेम अपने आप में एक क्रांति है, वह सभी प्रकार की जड़ताओं को तोड़ देता है, वह सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ देता है जैसे मीरा ने तोड़ा, और उन बंधनों को तोड़कर डंके की चोट पे वो कहती हैं कि मुझे लोक लाज और कुल की मर्यादा की कोई चिंता नहीं है, मुझे उस कृष्ण से प्रेम है और उस कृष्ण के प्रेम के लिए मैं किसी भी प्रकार के लोक लाज और कुल की मर्यादा को नहीं मानती हूँ, समाज और दुनिया की मुझे कोई चिंता नहीं है। स्पष्ट है बच्चे? और कहा प्रीतम पल छणेणा बिसरावा मीरा हरि रंग राचारी मा गिरे धरया गणाचारी। कहा ये जो मेरा प्रीतम है, जो कृष्ण जिसे मैं बेशुमार मोहब्बत करती हूँ, जिसे मैं बेशुमार प्रेम करती हूँ, उसको मैं एक पल के लिए भी भूल नहीं पाती हूँ, एक पल भी वह मेरे मन से, वह मेरे हृदय से निकल नहीं पाता है, हर पल वह मेरे भीतर गूंजता रहता है। यानी कि कृष्ण उनके भीतर बसे हुए हैं, वह कृष्ण के रंग में रंगी हुई हैं, एक पल भी कृष्ण की स्मृति, कृष्ण की याद से वो बाहर नहीं आ पाती हैं। मीरा हरि रंग राजचारी, और फिर से मीरा ने स्वीकार किया है कि मैं उस हरि, उस कृष्ण के रंग में रंग चुकी हूँ, उस सांवरे कृष्ण के प्रेम की मैं दीवानी हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मां गिरधर आगा नाचारी, मैं उस कृष्ण के आगे नाचूंगी, उसे रिझाऊंगी, उसे प्रसन्न करूंगी। स्पष्ट है? आगे बात समझ में? विशेष क्या है वही बात लिखेंगे आप। राजस्थानी मिश्रित मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग, एक नारी चेतना की बात, स्वतंत्र नारी चेतना की बात यहां पे की गई कि स्त्री मुक्ति की बात कैसे करती है। मध्यकालीन युग में जब स्त्रियों को लेकर की इतनी सारी पाबंदियां थी, तब मीरा खड़ी होती है और स्त्रियों की मुक्ति के लिए एक आख्यान रचती है, एक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती है कि स्त्री सिर्फ चार दीवारी में नहीं रह सकती है, वह बाहर निकलकर प्रेम कर सकती है और अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से अपना जीवन जी सकती है। जिस समाज में यह माना जाता था कि पति के मर जाने के बाद स्त्री का यह कर्तव्य होता है कि वह सती हो जाए, पति के साथ चिता पे जल जाए, या फिर पूरे जीवन भर घर की चार दीवारी में बंद होकर विधवा जीवन को स्वीकार कर ले, ऐसी मान्यता थी जिस समाज में, उस मिथक को तोड़ा मीरा ने, घर से बाहर निकली और दुनिया को दिखाया कि प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं और प्रेम के साथ जीवन जीने से बड़ा कोई मोल नहीं, कोई मूल्य नहीं। वह कृष्ण को अपना सब कुछ मानती है, लोक लाज और कुल की मर्यादा सब कुछ छोड़ करके वह बाहर निकल पड़ती है। तभी तो हम कहते हैं ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरिगुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। महलों में पलने वाली वह मीरा जोगन बन के निकल जाती है, सारे सुख सुविधाओं का त्याग कर देती है। क्यों? क्योंकि प्रेम से बड़ा उसके लिए कोई सुख नहीं है, कृष्ण से बड़ा उसके लिए कोई मूल्यवान वस्तु इस धरती पर नहीं। प्यारे बच्चों, समझ में आया? आगे बढ़े। भावुक हो गए क्या लगता है आपको? आप सबके भीतर मीरा की आत्मा तो प्रवेश नहीं करती, मेरे भीतर तो प्रवेश कर जाती है। तीसरा पद है और इस तीसरे पद में प्रसंग यह आएगा कि मीरा ने स्पष्ट शब्दों में डंके की चोट पर वह कहती है कि इस पूरी सृष्टि में, इस संसार में कृष्ण के अलावा उनका कोई नहीं है। कृष्ण पर उनको इतना गहरा विश्वास है कि कृष्ण के अतिरिक्त इस संसार में वह किसी और को अपना नहीं मानती। कहती है महारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कोया, मेरा तो सिर्फ और सिर्फ गिरधर गोपाल कृष्ण कन्हैया है, दूसरा ना कोया, दूसरा मेरा इस दुनिया में, इस सृष्टि में कोई नहीं है। ठीक है, यह एक गहरे प्रेम को अभिव्यक्त कर रहा है। ठीक है, जब आप ईश्वर के सामने जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हे परमात्मा तुम ही मेरे सब कुछ हो। ठीक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। क्यों इतना विराट संबंध कि दुनिया के सारे संबंध वहां क्या हो गए हैं? केंद्रित हो गए हैं। तो जब दुनिया के सारे संबंध एक जगह जब केंद्रित हो जाए तो व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मीरा भी यही कहती है, उन्होंने संसार के सारे संबंधों को किसी एक व्यक्ति में देख लिया है, तुम ही मेरे सब कुछ हो। और कहा
महारानी गिरधर गोपाल, दूसरा ना कुया। मेरा तो सिर्फ और सिर्फ गिरधर गोपाल है, दूसरा मेरा कोई नहीं है। दूसरा ना कुया साधा सकल लोक जुया, ठीक है। दूसरा कोई नहीं है, मैंने पूरी दुनिया देख ली, सारा लोक देख लिया, सब घूम लिया, मेरा कोई नहीं है। जग घूमया थारे जैसा ना कोई, सुना है ना, वही राजस्थानी गीत है। मीरा कहती है कि पूरी दुनिया देख ली, सब घूम लिया, सब जान लिया, कृष्ण के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। गहरा विश्वास, अन्यतम प्रेम प्रकट कर रही है कृष्ण के प्रति। कहा भाया छाड़िया बंधा छाड़िया संगा सुया, भाई छूट गया, बंधु बांधव छूट गए, सारे सगे संबंधी क्या हो गए, छूट गए, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्यों? महारानी गिरधर गोपाल दूसरा ना कुया। मैंने ये मान लिया है, मैंने ये पहचान लिया है, इस जगत में, इस संसार में कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है। समझ में आया? आगे बढ़े। साधा ढिक बैठ बैठ, ढिक का अर्थ होता है साथ, और साधु मतलब संत। साधा ढिक बैठ बैठ लोक लाज हुया, साधुओं के साथ, भक्तों के साथ, संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज को खो दिया है, दुनिया ऐसा कहती है। मीरा नहीं कहती कि मैंने लोक लाज को खोया है, मीरा तो कहती है कि मैंने प्रेम किया है। वो कहती है कि मुझे लोक लाज की परवाह नहीं है। लोग कहते हैं, ठीक है, कि मीरा साधुओं के संत साधुओं के साथ बैठ रही है, उन्होंने उन्हें अपने लोक लाज और कुल की मर्यादा का कोई ध्यान नहीं है। मीरा ने कहा साधुओं के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज को खो दिया है, मुझे इस बात की भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि साधु और भक्तों के साथ बैठने का जो सुख है वह सुख बहुत बड़ा है, उस लोक लाज की रक्षा करके जीवन भर कैद होने से कहीं अच्छा है। इसलिए मैं साधुओं के साथ बैठती हूँ, भजन करती हूँ, कीर्तन करती हूँ। आप सबको पता है कि वो साधुओं के साथ बैठती हैं, कृष्ण की भजन करती हैं, कीर्तन करती हैं, उसी का वर्णन किया। कहा भगत देख्या राजी हुईया, जगत देख्या रुईया। भक्तों को, संतों को, ईश्वर के प्रेमियों को देख करके मैं खुश होती हूँ, राजी होती हूँ, ठीक है ना। कहते हैं ना राजी रहो, आशीर्वाद देते हैं ना, खुश रहो, प्रसन्न रहो। तो मीरा कब प्रसन्न होती हैं? भक्तों को देखकर, संतों को देखकर प्रसन्न होती हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है। लेकिन जगत देखिया रुईया, और दुनिया देखती है तो क्या होता है, आंसू आते हैं। ये जो दुख ही दुख है इस संसार में, लोग कैसे मोह माया छल छद्म में लिप्त हैं, भागते फिर रहे हैं, लोक लाज की परवाह किए और प्रेम को जीवन से मिटा दिया है, भक्ति को जीवन से समाप्त कर लिया है। तो दुनिया को देखकर उन्हें दुख होता है, लेकिन जब वह भक्तों को देखती हैं तो क्या होती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? और कहा असुआ जल सींच सींच प्रेम बेल बोया। ये मैंने जो प्रेम की बेली बोई है, प्रेम का बीज जो मैंने बोया है, मीरा कहती है यह आसान काम नहीं है, इसे मैंने अपने आंसुओं से क्या किया है, सींचा है। जैसे आप बीज मिट्टी में लगाते हैं, पौधा लगाते हैं तो पानी देते हैं ना, मीरा कहती है कि प्रेम रूपी इस पौधे को लगाने के लिए इसे मैंने अपने आंसुओं से सींचा है, विरह का दर्द सहा है। आसान नहीं है प्रेम कर पाना, एक निष्ठ ढंग से प्रेम कर पाना। जिगर मुरादाबादी ने लिखा ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मीरा ने आगे भी लिखा कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। कि प्रेम करना आसान नहीं है, प्रेम करना और उसे निभाना आसान नहीं है, यह कांटों भरा रास्ता है, मुश्किलों भरा रास्ता है प्रेम करना, उसे जीवंत बनाए रखना, उसे जीवन में उतारना। मीरा के सामने जीवन में उस प्रेम के लिए जो चुनौतियां आई हैं, जो कष्ट सहे हैं उन्होंने जो विरह झेला है, समाज का जो तिरस्कार झेला है, आप सबको पता है कि कैसे उन्हें मारने की कोशिश की गई थी, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वह कृष्ण के प्रेम में घर से बाहर निकल गई थी। तो समाज भी आपका विरोधी हो जाता है, और प्रेम का रास्ता ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सुख का रास्ता हो, वहां दुख भी है, वहां पीड़ा भी है, वहां विरह भी है, तमाम तरह के कष्ट हैं। इसलिए मीरा ने कहा
असुआ जल सीच सीच प्रेम बेल बुया। प्रेम की यह का यह जो बीज है, प्रेम का यह जो पौधा है, इस पौधे को मैंने अपने आंसुओं से क्या किया है, सींचा है। यह प्रेम कर पाना आसान नहीं है। और कहा दूध मत घृत काढ़ लिया डार दिया छुया, कि जैसे दूध को मत करके क्या कर दिया जाता है, घी निकाल लिया जाता है, और छाछ को मट्ठे को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। मैंने भी अपने इस जीवन से जीवन रूपी दूध को मत करके घृत निकाल लिया है, यानी कि कृष्ण रूपी प्रेम को प्राप्त कर लिया है, और बाकी सब मैंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, समाज छोड़ दिया है, सखे संबंधी सगे संबंधियों को छोड़ दिया है, भाई बंधुओं को छोड़ दिया है, और कृष्ण के प्रेम रूपी घृत को मैंने क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। और कहा मीरा री लगन लग गया होया हो जो होया, अब तो मुझे लगन लग गई है, कृष्ण के प्रेम की लगन है, और ये लगन इतनी खूबसूरत है, ये एहसास इतना प्यारा है कि अब जो होना है सो हो जाए, होना हो जो हुया, जो होना है सो हो जाए, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज गिरधर गोपाल दूसरा ना हुया, मैंने कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया है, वही मेरा सब कुछ है, मेरा और कोई नहीं है। स्पष्ट है? डंके की चोट पर मीरा ने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति को स्वीकार किया है, और यह भी बताया है कि प्रेम के रास्ते में सब कुछ कैसे छूटता चला जाता है, सब छूट जाता है, और यह प्रेम का रास्ता आसान भी नहीं होता है, इसे अपने आंसुओं से क्या करना होता है, सींचना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़े, चौथा पद है हमारे सामने, और मीरा बार बार अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कृष्ण के प्रति कर रही है। कहा माई सांवरे रंग राजी, माई संबोधित किया है सखियों को, हे मेरी सखियों, मैं उस सांवरे कृष्ण के रंग में क्या हो चुकी हूं, रंग चुकी हूं, प्रेम में रंग चुकी हूं, डूब चुकी हूं उस कृष्ण के रंग में। साज सिंगार बांध पग घुंघर लोक लाज तज नाची, ठीक है, सोलह श्रृंगार कर लिए हैं, ठीक है, पांव में घुंघरू बांध लिया है, और लोक लाज सब कुछ त्याग कर क्या कर रही हूं, नाच रही हूं। आप देखेंगे कि बार बार लोक लाज को त्यागने की बात मीरा कर रही है, वो इसलिए कि मीरा की कविता सिर्फ कृष्ण के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं है, स्त्री मुक्ति की एक कल्पना है कि जिस समाज में वह रह रही थी उस समाज में स्त्री को कैसे गुलाम बना करके उसकी सारी आजादी कैसे छीन ली गई थी, और उसे पुरुष के जो बनाए गए नियम थे, पुरुष सत्ता के जो बनाए गए नियम थे, उन नियमों के हिसाब से रहना पड़ता था। मीरा उन सभी नियमों को तोड़ रही है और कृष्ण के प्रेम को अपना अभिष्ट मानते हुए, अपना सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य मानते हुए बार बार कह रही है कि साज सिंगार बांध पग घुंघर लोक लाज तज नाची, सोलह श्रृंगार कर लिए, सोलह श्रृंगार कब किए हैं, जब विधवा है, ध्यान दीजिएगा, विधवा को सफेद साड़ी पहना दी जाती है, उसको साज श्रृंगार करने की कोई आजादी नहीं होती है, ठीक है ना, और उसके बाद पैरों में घुंघर बांध लिए हैं और लोक लाज की परवाह किए बिना क्या कर रही है, गया कुमत लाया साधा संगत, जब से साधुओं की संगत हुई है, साधुओं का साथ मिला है, मेरी कुमति चली गई है, यानी कि जो विवेकहीनता थी, जो मूर्खता थी, जो मेरी समझ कम थी, नासमझी थी, साधुओं के साथ रहने से, भक्तों के साथ रहने से मेरी वह मूर्खता चली गई है, मेरी वह कुबुद्धि चली गई है, श्याम प्रीत जग सांची, और कुबुद्धि चली गई है, मूर्खता चली गई है, और मैंने जाना है इस जग में कृष्ण का जो प्रेम है वही सच्चा है, बाकी सब क्या है, भ्रम है, बाकी सब कुछ क्या है, झूठ है, ठीक है प्रेम जगत में सार, कोई सार नहीं ऐसा, कृष्ण के प्रेम से बड़ा सच इस दुनिया में मीरा को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आया समझ में? आगे बढ़े, गाया गाया हरि गुण निस्दिन, निस्दिन कहते हैं प्रतिदिन, निरंतर गाया गाया, मैं निरंतर उस कृष्ण के गुण को गा रही हूं, कृष्ण का गुणगान कर रही हूं, और उस कृष्ण के गुणगान से ही
काल व्यालवी बाची, काल रूपी जो सर्प है, मृत्यु रूपी जो सर्प है उससे मैं बची हुई हूँ, उससे मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि मैं निरंतर कृष्ण का नाम ले रही हूँ, उसके प्रेम में हूँ और वहीं इस काल रूपी सर्प से मेरी क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। याद करिए मीरा को विष भेजा गया था, ठीक है ना, मारने के लिए सांप तक भेजा गया था, लेकिन हर बार मीरा क्या हो गई, बच निकली। मीरा उसी का वर्णन करते हुए कहती है कि कृष्ण के प्रेम ने मुझे मृत्यु रूपी सर्प से क्या कर लिया है, बचा लिया है। श्याम वीणा जग खारा लागा, श्याम समझ रहे हैं किसको कह रही है, कृष्ण के बिना मुझे यह दुनिया खारा यानी कि तीखी लगती है, सारहीन लगती है। जगरी बाता कांचा कांची, और जगत की बातें दुनिया की बातें मुझे कच्ची लगती है, कोई उसमें सार नजर नहीं आता है। सार मुझे अगर नजर आता है तो वह सिर्फ श्याम में नजर आता है, कृष्ण में नजर आता है, और कृष्ण के बिना मुझे सब कुछ क्या लगता है, सारहीन लगता है, बिना किसी मतलब का लगता है। मीरा सिरी गिरधर नट नागर भगती रसीली जांची, और मीरा कहते हैं कि मेरे जो नटखट कृष्ण है, मेरे जो नटखट चतुर कन्हैया है, ठीक है, उस कन्हैया के प्रेम का रस मैंने चख लिया है, उस कृष्ण के प्रेम का रस मैंने चख लिया है, वही मेरी जुबा पे है, वही मेरे हृदय में है, और मैं कृष्ण के प्रेम के रंग में क्या हो चुकी हूँ, रंग चुकी हूँ, और मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। स्पष्ट है बच्चे, समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ भी आप विशेष में लिख सकते हैं कि भाषा जो है राजस्थानी मिश्रित मधुर ब्रज भाषा है, प्रसाद गुण विद्यमान है, स्पष्ट सब कुछ समझ में आ रहा है, और मीरा की जो अन्यतम भक्ति है, अन्यतम प्रेम है, उसको उन्होंने प्रकट किया है, साथ ही साथ समाज में स्त्री को लेकर के स्त्री की जो दशा है उसका भी वर्णन किया है, और स्त्री मुक्ति की कहीं ना कहीं परिकल्पना इस पद में वो करती हुई नजर आती है। स्पष्ट है बच्चे, मीरा का अंतिम पद, और इस पद में वो कहती है कि मैंने अपना सारा प्रेम लुटाकर, अपना सब कुछ लुटाकर, जीवन लुटाकर कृष्ण को मोल लिया है, यानी कि कृष्ण को प्राप्त कर लिया है, ठीक है, इसी का वर्णन किया है। कहती है मायरी हे सखियों महा लिया गोविंदा मोल, मैंने मेरे कृष्ण बहुत मूल्यवान हैं, बहुत कीमती हैं, उन्हें मैंने पा लिया है, उन्हें मैंने प्राप्त कर लिया है, अपना सारा प्रेम लुटाकर, अपना सारा जीवन लुटाकर मैंने उन्हें प्राप्त किया है। ते कहिया छाड़े महाकचोडे, ठीक है, वो कह रही है कि तुम कहती हो, सखियों से कहती है कि हे सखियां, आप कहते हैं, छाड़े कहते हैं छुपकर, ठीक है, मीरा कहती है कि हे सखियों, तुम कहती हो कि मैंने छुपकर कृष्ण का मोल लिया है, मैंने छुपकर कृष्ण को प्रेम किया है, लेकिन मैं कहती हूं कचोडे यानी कि चौराहे पर, मैं कहती हूं कि मैंने खुलेआम ढोल बजाकर डंके की चोट पे ये स्वीकार करती हूं कि मैंने कृष्ण को प्रेम किया है, और कृष्ण का जो मोल मैंने लिया है वह अपना जीवन देकर के लिया है, यह काम मैंने छुप करके नहीं किया है, डंके की चोट पे किया है। कहा थे कहया मुहधौ महा, तुम कहती हो कि मुहदो मतलब मैंने ये सौदा महंगा कर लिया है, मुहदो का अर्थ होता है महंगा, ठीक है, लेकिन मैं कहती हूं कहया सुस्तो लियारी तराजा तोल, पर मैंने तो सस्ते में ही कृष्ण के प्रेम को अपने दोनों तराजुओं पे क्या कर लिया है, तोल लिया है, सस्ते में कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। कहने का मतलब है, मीरा कहना चाहती है कृष्ण कितने अनमोल है, इतने बहुमूल्य है कि मैं अपना प्रेम अपना जीवन दे करके भी अगर उसे पालूं तो यह भी क्या है, मेरे लिए बहुत सस्ता है। तुम कहते हो कि यह बहुत महंगा है, लेकिन मैं कहती हूं यह मेरे लिए बहुत सस्ता है, सस्ता सौदा है, मैंने अपना जीवन अपना प्रेम दे करके कृष्ण को पा लिया है, वो बहुत अनमोल है। तनवाणा महाजीवन वाणा, मैंने अपना तन अपना जीवन सब कुछ कृष्ण पे न्योछावर कर दिया है। वारा अमोलक मोल, मेरे पास जो कुछ भी था, जो कुछ भी अनमोल है, वह सब कुछ मैं कृष्ण के प्रेम में न्योछावर कर चुकी हूं, और
अंत में कहा मीरा को प्रभु दर्शन दीजिया पूरब जन्म को कोल। अंत में कहा मीरा कहती है कि मैंने अपना तन दिया, जीवन दिया, मेरे पास जो कुछ भी अनमोल था वह सब मैंने लुटा कर कृष्ण को प्रेम किया, उनके प्रति समर्पित कर दिया। और कहा मीरा कहती है अंत में कि मीरा को प्रभु दर्शन दीजिया, हे प्रभु आप मुझे कब दर्शन दोगे, मुझे दर्शन दो, मैं आपके दर्शन को प्यासी हूं, आपसे मिलना चाहती हूं, पूरब जन्म को कोल। मीरा कहती है कि पिछले जन्म में आपने यह वचन दिया था कि मैं आपको दर्शन दूंगा, लेकिन आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं, आप मुझे दर्शन दें। आपको याद होगा पिछला पद जब हमने कहा था तो नाच नाचदा कृष्ण रिझावा प्रीत पुरातन जाचियारी, ऐसा ऐसी पंक्ति है ना, जिसमें वो कहती है कि यह कृष्ण, उसका भाव यह है, पंक्ति ऐसी ही है, उसका भाव यह है कि कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है वह आज का प्रेम नहीं है, वह बहुत पुराना प्रेम है। मीरा यहाँ कहती है कि पिछले जन्म में आपने यह वचन दिया था कि आप मुझे दर्शन देंगे, अब आप मुझे दर्शन दें, ठीक है, ये इस पंक्ति का भाव है। तो इस तरह से मीरा की जो पदावली है, मीरा के जो पद हमें पढ़ने हैं, उसका एक भाग पूरा हुआ, अगला भाग कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है।